चलिए नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हालचाल आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है और मैं भारती सर। पिछले दिन हम लोग स्टडी किए थे इस चैप्टर में ज्योतदार के उदयों के बारे में, साथ साथ देखे थे कि जो जमींदार होते थे ना किस तरह से अपने जमींदारी की नीलामी के टाइम में फर्जीवाड़ा करते थे, झोल झाल कर देते थे। अब इसी एनसीईआरटी के कड़ी को अगर आगे बढ़ाएं तो अगला जो आपको टॉपिक्स पढ़ना है इसी में, इसमें है आपका पांचवी रिपोर्ट। पांचवी रिपोर्ट को बड़ा बढ़िया से आपको समझना होगा, बड़ा ओल झोल टेढ़ा मेरा है और साथ ही साथ यहां से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि पांचवी रिपोर्ट क्या है, ये पांचवी रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। साथ साथ हम लोग मेहताब चंद्र के बारे में भी देखेंगे, महाराजा मेहताब चंद्र के ऊपर में इनके जीवन काल से भी एक ऑब्जेक्टिव आने की संभावना होती है, तो ये सभी चीजों को देखेंगे। आइए आज के वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। जो लोग पहले वीडियो नहीं देखे, पहले के पार्ट वन पार्ट टू का जो सीरीज है उसको देख ले तो ये ज्यादा आपको समझ में आने वाला है। चलिए ध्यान से सुनेंगे पांचवी रिपोर्ट। आपको बताने से पहले एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहे, दुनिया में हर कोई आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता है जो उसके कोई ना कोई टक्कर ना हो। ऐसा अगर हमारे पास 10 रुपया है तो कोई हमसे 10 रुपया का प्रतिस्पर्धा करने वाला आदमी मिल जाएगा। जब आप लाखों रुपए कमाइएगा तो लाखों रुपया जो और भी कोई पर्सन कमा रहा है वो आपके एक कॉम्पिटिटर हो जाएगा भैया। तो ये ध्यान से सुनेंगे, ये जो सिलसिला है ना वो चलते रहा। अभी तक हम लोग देखे थे कि एक जमींदार है, एक जोतदार है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ये ध्यान सुनेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल के क्षेत्रों पर जब राज कर रही है, पूरा बंगाल को अपने चंगुल में ले रही है, तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में कौन आ सकता है? एक छोटे जो किसान होंगे, जो एकदम भूमिहीन किसान जिनके पास अपनी कोई जागीर संपत्तियां नहीं है, वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई चैलेंज नहीं देगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन चैलेंज देने वाला है? जमींदार भी चैलेंज नहीं दे सकता है, क्योंकि जमींदार तो भाई बहुत छोटी चीज है। इसके पास सेना टुकड़िया जो होते थे, हम लोग देखे थे कि सैन्य टुकड़िया को भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भंग कर दी थी। कोर्ट कचहरी जो जमींदारों के अंडर में आते थे वो सब जो है कोर्ट कचहरी भी किसके अब अंडर में आने लगे थे, तो कलेक्टर के अंडर में आने लगे थे। तो जमींदार के पास पावर नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज दे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन चैलेंज दे रहा है इसको आप समझिएगा। इसी को समझाने के लिए हम लोग यहां लिए हैं जिसको कहते हैं पांचवी रिपोर्ट। ये पांचवी रिपोर्ट है क्या, जैसे हुआ क्या कि यहां पे बंगाल के क्षेत्रों में, ध्यान से सुनेंगे, ये आपका आज के पूरा बांग्लादेश साथ साथ पश्चिम बंगाल का एरिया, ओडिशा का भाग, ये बिहार झारखंड उसमें शामिल है। ये जो बंगाल का जो प्रांत है साथ साथ इधर अवध हुआ सब, इधर क्या हो गया कि 1760 ध्यान से सुनेंगे, 1760 के जो दशक था इस दशक के मध्य में ही बंगाल पे अंग्रेजों का पूर्ण रूप से कब्जा हो गया। यानी बंगाल में कहीं ना कहीं अपने को स्थापित करने में सफल हो गया जी कौन, अंग्रेज। ये बंगाल का जो भाग है ये 1760 के दशक के मध्य में अंग्रेज बंगाल में अपने आप को पूर्णतः स्थापित कर लिया। आप कह रहे पूर्णतः स्थापित करने का मतलब, 1760 के अगर बात कर ले, 1760 के मध्य अगर कह रहे तो 1760 से लेकर के और 1700 आपका ये याद रखेंगे 69 तक का जो दौर है ये 1760 का लगेगा, और इसके बीच में अगर बात कर ले तो 1764 ये वो टाइम है जिसमें बक्सर का युद्ध होता है, लेकिन बक्सर युद्ध में अंग्रेज जीत जाता है। जब अंग्रेज बक्सर के युद्ध में जीत जाएगा तो पूरे बंगाल पे पूर्ण रूप से अधिकार अब किसका हो जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो वही एनसीईआरटी का लाइन है, इसको समझते चलेंगे कि 1760 के दशक के मध्य बंगाल में अपने आप को अंग्रेज क्या कर लिया था, स्थापित कर लिया था। और जिस वर्ष स्थापित किया है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को, तो कहते हैं इसी जो ये जो दशक का जो दौर है, इसी दशक से ईस्ट इंडिया कंपनी पे अब नजर डाल रही है कौन, तो ब्रिटेन की जो सरकार है वो। अब कहिए कि ये दोनों के बीच में किस तरह का तालमेल है, ये हमको समझ में नहीं आया। पहले वीडियो सीरीज में बताए थे हम आपको कि ये ब्रिटेन है, मान लो ये भारत है, तो भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की एक कंपनी आई है, ना कि ब्रिटेन की सरकार हस्तक्षेप हमारी अर्थव्यवस्था में कर रही है। यहां की एक कंपनी आई है और ब्रिटेन में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, BEIC है, इसके जैसे बहुत सारे ब्रिटेन में और भी कंपनियां हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, एक कंपनी के लिए चुनौती कौन बनेगा, दूसरा कंपनी वाला, क्योंकि अगर दूसरा भी कंपनी है, व्यापार करने वाली कंपनियां है, वो भी तो चाहेगी ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हम भी व्यापार में मुनाफा कमाए,
तो एक छोटे छोटे जमींदार भूमिहीन उन आदमी को उनसे क्या मतलब है। तो कंपनी के अगर कोई टक्कर में आएगा जो चाहेगा कि ये कंपनी नीचे डाउन हो जाए, हमारी कंपनियां ऊपर हो जाए, वो कंपनी ही सोच सकता है। जैसे अगर मान ले हम टीचर हैं तो हमारे कोई प्रतिस्पर्धा करने वाले कोई एसएसटी ही पढ़ाने वाले जो आएंगे वो चाहेंगे कि इनसे ज्यादा बढ़िया हम पढ़ाए, ये ज्यादा बच्चे हम रख पाए, वो हमारे कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। तो इस तरह से बिजनेस मैन में भी होगा। मान लेते कोई जियो की कंपनी है, कोई एयरटेल है, वो एयरटेल वाली चाहेगी कि हम जियो से आगे चल जाए और जियो वाली चाहेगी कि हम एयरटेल से आगे चल जाए। अब जियो वाले इतना कमा रहे हैं उससे एक गरीब आदमी का क्या माने उससे एंटी रहेगा भाई, उससे क्या उतना दुश्मनी रहेगा, क्या उखाड़ सकता है वो, आप सोच सकते हैं कोई। तो ये कंपनी ही कंपनी को चैलेंज देगी। और हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के बंगाल में अपने आप को स्थापित कर लिया है, बंगाल के सारे संसाधनों को अपने अंडर में ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दाव पेच करने के लिए ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन सर, ब्रिटेन में और जो कंपनियां है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह और भी कंपनियां व्यापार करने वाली, वो ब्रिटेन के संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में जो है मुकदमा चलाएगा। वहां पे वो गर्मा गर्मी का माहौल छेड़ देगा। क्या माहौल छेड़ेगा, ये कहेगी कि भारत में यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में गई है और भारत में जाने के बाद जो है इसकी लोभ लालच सब बढ़ते चली जा रही है, यहां से व्यापार में खूब मुनाफा कमा रहा है। अब यहां ब्रिटेन से एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जाकर के मुनाफा कमा रही है, तो क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये केवल अधिकार है कि आप भारत में जाकर के मुनाफा कमाए? बंगाल में जब स्थापित कर लिए हैं तो यहां पे अन्य कंपनियों को भी भारत से व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए। और इसी पे एक बात हमने यहां पे लिखा है, ध्यान से सुनेंगे, एससीईआरटी का ही वर्ड है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब समझिएगा, उस टाइम की बात कर ले जब हमारे यहां बंगाल में अंग्रेज जो है बंगाल के क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित किए थे, वो एक ऐसा दौर था कि उस समय भारत और चीन दोनों देश को ध्यान से सुनेंगे, भारत और चीन के साथ अगर व्यापार करने की अनुमति की बात करें तो एक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिला हुआ था। तो अन्य कंपनी जो ब्रिटेन के और कंपनियां है और ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों में मतभेद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ब्रिटेन में जो और कंपनियां थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर करके ब्रिटेन में जो है गर्मा गर्म का माहौल बना देगा कि भैया ऐसा क्या है कि खाली ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत और चीन में आप व्यापार करने का अधिकार दिए हैं। चलिए अधिकार दिए भी है तो ये क्या कर रहा है, वहां व्यापार नहीं कर रहा है, वहां अधिकार कर लिया है, वहां के जो एरिया है ना उन पे अपना कंट्रोल कर लिया है, अब वहां ये व्यापार थोड़ी ना कर रहा है, ये एक तरह से तो राज कर रहा है, इसका लोभ लालच बढ़ते चला जा रहा है। वहां पे इसका जो प्रशासन है वो प्रशासन कुप्रशासन है, कोई प्रशासनिक सुविधाएं बढ़िया नहीं दी जाती है, कुप्रशासन चला रहा है, वहां अव्यवस्था को कायम किया है, वहां के खनिज संसाधनों और लोगों को व्यवस्थित नहीं ये अव्यवस्थित कर दिया है, कहीं ना कहीं लोग मर जा रहे हैं, मौत के काल के गाल में चले जा रहे हैं। इन तमाम घटनाओं को अरे कंपनी है दूसरा तो मौका खोजेगी और दूसरे कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के को लेकर करके और ब्रिटेन के जो फाइनली संसद है उसमें क्या करेगा, तो वो जो है अपना मुकदमा दायर करा देगा कंपनी में लेकर के, वहां बहसबाजी होगा। अभी मुकदमा नहीं समझिएगा, अब ये चीज चल रही है भाई ब्रिटेन में, भारत में नहीं चल रही है। तो जब ब्रिटेन की भी सरकार को लगा कि जब सभी कंपनियों का भाई कहना है कि इसको भी अधिकार दिया गया है और अधिकार मिला है तो ये भारत में आकर के क्या कर रहा है, तब पूरा कुप्रशासन खूब इसकी लोभ लालच बढ़ती चली जा रही है। तो कंपनी को लगा कि इस पे लगाम लगाना जरूरी है, सॉरी कंपनी पर लगाम लगाना जरूरी है, ये ऐसा किसने सोचा, तो ब्रिटेन के जो सरकार है वो उसने सोचा। अब ध्यान से सुनिएगा बातों को, यही कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जो घटनाएं जब ब्रिटेन में चर्चा में चलने लगी तो यही पे ध्यान देंगे, भ्रष्टाचार को लेकर करके जितने भी घटनाएं ब्रिटेन में आई और इन सभी भ्रष्टाचार को लोभ लालच को लेकर के तो देखे ना एकाधिकार पर लेकर बहसबाजी हो गई और जो कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो लोभ लालच बढ़ गई इसकी बात यहां तक छिड़ गई। आप यहां से समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में जो समाचार पत्र छपते थे ना उन समाचार पत्रों पे न्यूज पेपर जो होते थे उनमें बड़े व्यापक रूप से याद रखेंगे बड़े व्यापक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रशासन और लोभ लालच को उछाला गया कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से जाकर करके और भारत में जो है कि खूब व्यापार कर रही है और खूब इसकी लोभ लालच बढ़ते चली जा रही है, यहां पर एकदम भ्रष्टाचार फैला रहा है। तो इस सबको लेकर के इसकी लोभ लालच को लेकर के ब्रिटेन की जो न्यूज पेपर है समाचार पत्र जो है वो इसको क्या किया तो उछाल रहा है।
अब इसी चीज को लेकर के ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में, एक बात और कह दे कि राजनीतिक जो पार्टी है, ब्रिटेन में भी और राजनीतिक पार्टियां हो, जैसे भारत में भी एक तो पार्टी जो ज्यादा बहुमत लेके आएगी वो तो सत्ता में रहेगी ना, सरकार में, और जो पार्टियां हैं छोटी छोटी जो सरकार सत्ता में नहीं रहती है, तो वैसे जो राजनीतिक पार्टियां थे ब्रिटेन में वो तो सरकार के ऊपर में ये भी कर रहा है कि ये वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जाकर के व्यापार कर रही है तो खूब पैसा कमा रही है, भाई सब पैसा का मुनाफा केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा है। यदि ऐसा है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे अपना सत्ता स्थापित कर ली है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कमा रही है उसमें से ब्रिटेन के सरकार को भी मिलना चाहिए, समझ रहे बात ना। तो यह भी बात कहा जाए कि ब्रिटेन सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जाकर के व्यापार करके कमा रही है। तो कहीं ना कहीं अन्य कंपनियों के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध अन्य कंपनियों के साथ साथ वहां जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक पार्टियां है, वो भी राजनीतिक पार्टी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही बात गर्मा गर्म वाला कर रहा है। इधर न्यूज चैनल वाले जितने भी है, ये न्यूज पेपर वाले क्या कर दिए कि अखबारों में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोभ लालच ब्रिटेन में खूब कस के छपाई कर रहे हैं। तो कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, 18वीं शताब्दी के अंतिम में अनेक ऐसे अधिनियम को पारित किए गए ब्रिटेन में, ध्यान से सुनेंगे, जिसमें कंपनी को बाध्य किया गया। हालांकि ये बात अगर बात करेंगे तो 1813 में एक नियम आएंगे और उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार है उसको कम किया जाएगा ब्रिटेन के तरफ से, और साथ साथ फिर एक बार और 1833 में जो अधिनियम आएगा सर, चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के तहत हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी अब इन क्षेत्रों में जो है अब पूरा का पूरा राजनीतिक चीजों को अपने अंडर में ले लेगा, जो भी पॉलिटिकल जो जाल है ये सब अपने कंट्रोल में ले लेगा, और कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ावा दिया जाएगा 1833 के बाद से। तो 1833 में याद रखेंगे, अब ये भी हो जाएगा कि जो पहले बंगाल के गवर्नर बनते थे 1833 के बाद से अब वो गवर्नर पूरे भारत के हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब पे क्लास कर रहे तो थोड़ी से एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको मिलना चाहिए, ठीक है। चूंकि आपका टाइम यहां पे आप हमको दे रहे तो हम सोच रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा भी डेटा साथ साथ लिंक कराए, जिससे आपका जो थिंकिंग पावर है ये सब एक बहुत बढ़िया बिल्ट हो सके। तो ये ध्यान से सुनेंगे, ये 1833 में ये हो जाएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बंगाल में गवर्नर बनाते थे अपना, अब वो ब्रिटेन से ही प्रमोशन होकर के हो जाएगा कि अब कोई बंगाल का ही गवर्नर नहीं होगा, अब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से गवर्नर बनेगा वो पूरे भारत का गवर्नर हो जाएगा। समय समय पर याद रखेंगे गवर्नर से फिर वायसराय में तकदीर हो जाएगा, ये सारा चीज हम आपको पढ़ाते रहेंगे, बस हमारे वीडियो सीरीज में आप बने रहिए। चलिए ध्यान से सुनेंगे आगे। तो कहते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में अगर बात कर ले तो अंतिम वर्षों में कई ऐसे अधिनियम आ गए, अधिनियम को ब्रिटेन के संसद से पारित किया गया, जिस पे कंपनी को क्या किया गया भैया, तो बाध्य किया गया। अब यहां पे कहा गया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को कहा गया कि यदि आप भारत में कुप्रशासन नहीं चला रहे, आप ढंग से प्रशासन चला रहे हैं, तो ऐसा कीजिए आप अपना सारे रिपोर्ट जो है आप रिपोर्ट बना कर करके और ईस्ट इंडिया कंपनी माने अपना जो भी क्रियाकलाप तुम कर रहे हो, तुम्हारा प्रशासन का जाल कैसा है, ये सब क्रियाकलापों को, अपने सभी क्रियाकलापों को रिपोर्ट बना करके और ब्रिटेन के संसद में पेश करो। तो ध्यान से सुनेंगे, इसको पेश करने के लिए कई समितियां भी बनाई गई, ये भी ध्यान से सुनेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इसके लिए कई समितियां भी बनाई गई, और इसी समितियां में से एक समिति है जिसको कहते हैं प्रवर समिति। बात को समझेंगे, यानी नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट जो है वो आप भेजो, ये कौन कर रही है, तो ब्रिटेन की सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रही है कि तुम भारत में किस तरह से क्रियाकलाप कर रहे हो, इस सबका नियमित रूप से समय के टाइम जो है हमको आप अपना रिपोर्ट बना करके और यहां पे भेजो, और इसके जांच के लिए ध्यान से सुनेंगे कई जो है समितियां बनेंगी, और इसी समितियों में याद रखेंगे एक समिति है प्रवर समिति, और जो हम पांचवी रिपोर्ट पढ़ते हैं ये कहीं ना कहीं प्रवर समिति के द्वारा ही ये रिपोर्ट तैयार हुआ है जी। अब इसको ध्यान सुनेंगे, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि पांचवी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार हुआ है,
कौन से समिति के द्वारा, तो ये याद रखेंगे प्रवर समिति। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनने वाली बातें क्या है कि पांचवी रिपोर्ट है क्या, तो पांचवी रिपोर्ट ध्यान से सुनेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के तरफ से जो है ये कहीं ना कहीं बाध्य पहुंचाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि तुमको लेकर के तुम कैसे प्रशासन व्यवस्था चला रहे हो बंगाल के क्षेत्रों में, तुम व्यापार करने के लिए गए थे लेकिन वहां के खनिज संसाधनों पे तुम कंट्रोल कर लिए हो, वहां प्रशासन ठीक ठाक नहीं है, काफी सारे ऐसे अर्जियां आ रहे हैं, शिकायत आ रहे हैं, यहां भी अदर कंपनियों का शिकायत है, कुछ राजनीतिक दल का है कि तुम्हारा लोभ लालच बढ़ती चली जा रही है, जिसका हकदार सरकार ब्रिटेन की सरकार भी नहीं हो रही है भाई, तुम अपने पैसा चपले जा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो अपने सभी क्रियाकलाप, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सबका रिपोर्ट बना करके तुम हमको नियमित रूप से दो। और वही याद रखेंगे, वही रिपोर्ट याद रखेंगे 1002 पन्नों का बनकर के तैयार होगा जी, और इसमें याद रखेंगे 800 से अधिक जो पेज होंगे, याद रखेंगे पूरा जो रिपोर्ट बनेगा ना, ये पूरा रिपोर्ट 1002 पेज का होगा, और इसमें से कहते हैं कि 800 पेज में रैयत और जमींदार, ये जमींदार शॉर्ट में लिखे हैं, जमींदार और रैयतों के बीच के कहानियां है, ठीक है ना, 800 पेज में वही सब बात की चर्चा की गई कि किस तरह से जमींदार, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब लिखवाई है, ध्यान सुनेंगे, पांचवी रिपोर्ट जब बनेगा अंग्रेजों के तरफ से, तो भारतीयों का हमदर्दी होगा नहीं, भारतीय जितना झोल झाल काम किया ही, सब पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि फर्जी बाड़ा करेगा, अपने संपत्तियों को अपने माता के नाम करेगा, जान से ऊंची बोली लगवा देगा अपने आदमी को, कह देगा कि पैसे नहीं है, तो वो जब जान जाएगा कि पैसा नहीं है तो कम दाम पर जो है से कि जमींदार को फिर से दोबारा जमींदार मिल जाए, ये सब जमींदारी जितना झोल झाल काम कर रहा है, ये सब के चर्चा पांचवी रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले वाला जो रिपोर्ट जाएगा ना उसमें रहेगा। अब बात को ध्यान से समझिएगा, इसमें जितने भी कलेक्टर थे, जमींदार थे, जोतदार थे, इन सभी की चर्चा है, लेकिन याद रखेंगे 800 से अधिक पेज में केवल किसकी चर्चा है, तो रैयतों यानी किसान और जमींदारों को लेकर के। एक इतना सही आपको आंकलन हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे कि कहते हैं कि 1796-97 के दौरान, ध्यान से सुनेंगे, बंगाल में नीलामी हुई, नीलामी के बारे में पिछले वीडियो सीरीज से आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट मालूम ही होगा, अब यहां ध्यान से सुनेंगे, ये नीलामी 1796-97, अच्छा एक बात आप हमको कमेंट में बताइएगा कि ये 97 में जब नीलामी होगी तो किस जगह का नीलामी होगा, आप एक ऐसे प्रदेश का नाम हम आपको बताए थे कि कहां का नीलामी होगा, 1797 में नीलामी हुआ, आपको कमेंट में बताना है कि ये नीलामी कहां हो रही है, ठीक है। अब 1797 में जब नीलामी हुआ तो जो जमींदार की जो संपत्ति जो बिक्री की जा रही थी कि कुल जो निर्धारित जो जमीन है वो जितना राशि में निर्धारित राशि में बेची जा रही थी उसका कीमत था 2870061 रुपया। बात को ध्यान से सुनेंगे, 1797 में ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से एक ऐसे जगह कमेंट में आपको बताना है उसकी नीलामी हो रही थी, ठीक है, और नीलामी में कंपनी की तरफ से ये विज्ञापन निकाला गया था, प्रचार निकाला गया था कि ये नीलामी याद रखेंगे 2870061 रुपए की होगी, लेकिन पिछले वीडियो सीरीज आप देखे होंगे तो आपको अब मजा आएगा कि कहते हैं कि जमींदार का ही एजेंट आ जाता है और वो क्या करता है, एकदम बोली यहां पे लगता है, याद रखेंगे बोली कितना लगता है, तो ये 1790416 रुपया का। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारी नीलामी के लिए तय की है 2870061 रुपया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में मैक्सिमम जो बोली लगाया जमींदार के एजेंट वो मैक्सिमम बोली लगाया है 1790416 रुपया, और जब उसके नाम पे पेपर तैयार होने लगे कि फलाना जमींदार इसको दी जाएगी तो वो छोटा पैसा उतना देवे नहीं किया, तो जब पैसा ओकरा से नौकर के एजेंट से नहीं निकला तब फाइनली यही जमींदारी फिर से पुराने जमींदार को दे दी गई, कितना में, तो 1418756 रुपया। अब इतना समझ सकते हैं कि कैसे फर्जीवाड़ा झोलझाल हो रहा है बंगाल के क्षेत्रों में, जमींदार कम नहीं है, ये जमींदार देखिए बोली लगा था कहां 28 लाख, आज जमींदार कहां इसको खरीद लिया 14 लाख पर, तो 14 दुनिया 28 यानी आधे आधे दाम पर जो है बोली लगा के जमींदार बाजी मार देता था, तो ये झोलझाल चलता था कि हमारे अगर 30 लाख कंपनी में अगर हमको देना है, मान ले हम जमींदार है 30 लाख कंपनी में देना है, हमसे जमा नहीं हुआ तो वो अगले दिन सूर्यास्त कानून के तहत हमको क्या कर दिया, जमींदारी नीलामी, और अपने एजेंट को बोली लगा दिए 25 लाख, 26 लाख पे ठप हो गया, तो हम
हमारे आदमी कह दिया 25 लाख और हमारे आदमी के पास पैसे नहीं है, झूठो मूठो बोली लगवा दिए। जब सब 20 लाख वाला बोली लगा वाला चल गया कि अब तो हमारा मिलेगा नहीं, तो हम का किए कि हमारे एजेंट वो कहा कि आए हमारा भी तो 25 लाख है ये नहीं है, तब बच गए अंतिम में हाँ, तो हम कहेंगे 15 लाख पर दीजिएगा हमारा भी 15 लाख है। तो ये याद रखेंगे जो 30 लाख का बोली होता था 15 लाख में पुराने जमींदार को मिल जाती थी, इस तरह से बंगाल में झोलझाल चल रहा था। और याद रखेंगे इस सब बात को लेकर के जो चर्चा है, याद रखेंगे पांचवी रिपोर्ट में ये कितने पेजेस में है, तो 800 से अधिक पेज में है। और याद रखेंगे तो यही सभी क्रियाकलाप किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है से कि अपना प्रशासन व्यवस्था चला रही है, कलेक्टर जमींदार रैयतों इन सभी के जितने भी अर्जियां थे उन सभी के आधार पर रिपोर्ट बनाया गया, इस रिपोर्ट को कहते हैं पांचवी रिपोर्ट। और पांचवी रिपोर्ट याद रखेंगे ब्रिटेन की संसद में 1813 में पेश की गई थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से उठेगा आपका कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद में कब पेश की गई थी, तो 1813 में। पांचवी रिपोर्ट पूछ दे आपसे क्या है, तो कहेंगे पांचवी रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप और प्रशासनों का साथ साथ इसमें और जोड़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और जितने भी व्यवस्था थे उन सभी प्रशासनिक क्रियाकलापों व्यवस्थाओं का एक कह सकते हो कि जमींदार है या फिर मान लेते हैं कलेक्टर है या रैयत है, इन सभी के अर्जियां के आधार पर अर्जियां को लेकर के एक रिपोर्ट बनाया गया जो ब्रिटेन के संसद में 1813 में पेश की गई। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, पांचवी रिपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान से सुनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पांचवी रिपोर्ट की भी यहां पे जांच होगी, थोड़ी सी वहां पर भी पढ़ना है कि पांचवी रिपोर्ट के जांच करने के लिए, क्योंकि पांचवी रिपोर्ट जब ब्रिटेन के संसद में जाएगा तो ब्रिटेन में भैया हम लोग तो वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में और जो कंपनियां है वो कहेगी कि नहीं ये सब रिपोर्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में है, वहां तो कुछ और झोलझाल चल रहा है। तो फिर इसमें शोधकर्ता आएंगे और जब शोधकर्ता आएंगे बंगाल में ग्रामीण वो एरिया में बंगाल में जाएंगे जो अपनी बेसिक शहर बन गया है, जो एरिया अंग्रेज के अधीन में आते हैं उन सब जगह पे कुछ शोधकर्ता आधुनिक शोधकर्ता जाएंगे। और जब सबके माहौल देखिए कुछ अभिलेख होंगे, समझ रहे बात, दस्तावेज के रूप में भी होंगे, जैसे अगर जमींदार कितना में जमींदारी खरीदा कितना में बिका ये सब कहीं ना कहीं लिखित दस्तावेज तो होंगे ना। जब इस सबको जब पुष्टि कर दिया गया तब पता चलता है कि नहीं कहीं ना कहीं जो भी जमींदार होते थे वो कंपनी पे आरोप लगाते थे कि ये हमसे ज्यादा इस तरह से ऊंची लगान ले लेता है, और रैयत जो किसान लोग होते थे वो कहते थे कि हमसे जमींदार बहुत ज्यादा लगान लेता था, ईस्ट इंडिया कंपनी ऊंचा, माने अलग अलग जो भी लोग शिकवा शिकायत है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पे सूखले गरम रहता था ये सब आदमी, लेकिन पता चला कि जमींदार कम नहीं है, बीच में जमींदार झोलझाल ये सब करता है। तो ये तो एक मोटा मोटी रहा आपका पांचवी रिपोर्ट जिसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें दो तीन बातें ध्यान से सुनेंगे, यहां से सवाल अगर आते हैं लठियाल क्या है, ये भी आपके बुक में है, इसको समझिए। पिछले वीडियो में बताए थे कि लठियाल वह व्यक्ति होता था जिसके हाथ में लाठी या डंडा हो, ये वह व्यक्ति है जिसके हाथ में क्या है, लाठी या डंडा। बाकी आपको बताए थे कि ये जमींदारों के डंडेबाज पक्षधर के लोग होते थे, ध्यान से सुनेंगे। जमींदार क्या करता था, तो जोतदार की कहानी, जमींदार की कहानी आपको बताए थे कि किस तरह से बाहरी जोतदार कभी कभी किसी का जमींदारी नीलाम होता था तो खरीद लेता था, तो जमींदार क्या करता था, तो दो चार दस गो उसन लखेड़ा एकदम गुंडा पालता था जेकरा हाथ में डंडा उंडा रहता था, आज जैसे उन्हें से जोतदार होकर एरिया में आवे तो ओकरा डंडिया देना, ये सब काम केकरा था, तो लठियाल किसका आदमी है, जमींदार के। ये एकदम किस तरह के पक्षधर वाला आदमी है, सो शांत पक्षधर वाला नहीं है, ये डंडेबाज है, ये खाएगा पिएगा रहेगा, जमींदार के तरफ से पैसा मिलेगा, उन्हें जाके खसी मुर्गा बोका काट के खाएगा पिएगा, असमझ बात ना, जब जमींदार को जरूरत होगा ओकरा लाठी निकालेगा, केकरा पर गिरा देना है, जमींदार बाबू लाठी बोली एकदम ओकरे पर गिरा देते हैं। तो ये सब कहानी है, आपसे पूछेगा लठियाल शब्द कहां से, स्पष्ट करें लठियाल शब्द क्या है, ये लठियाल क्या है, लठियाल का मतलब, तो कहेंगे लठियाल वो व्यक्ति है कि जिसके हाथ में क्या होता है जी, लाठी या डंडा होगा, ये आदमी किसका है, तो जमींदार का, तो जमींदार के डंडेबाज पक्षधर के लोग है। एक बात और फोकस करिए यहां पे, ये है आपका महाराजा मेहताब चंद, इनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। महाराजा मेहताब चंद कौन है, तो ये वर्धमान के राजा है, ध्यान सुनेंगे, वर्धमान के राजा। अगर अब तक आप कमेंट बॉक्स में किए थे तो ठीक है, और नहीं तो हम आपको बता दें कि 1797 में जो नीलामी हुआ था ये कोई और कहीं और का नीलामी नहीं है, ये वर्धमान का ही नीलामी हुआ है, ठीक है। चलिए, तो वर्धमान के अगर बारे में बात करें तो काफी धनी प्रांत था वर्धमान में, पहले जिस समय में नीलामी हुआ था उस समय में यहां जो राजा थे वो
वो तेजचंद थे। अब नीलामी काहे हो रहा था, हम उस समय बताए थे कि वर्धमान में नीलामी इस्तमरारी बंदोबस्त के कारण ही हुआ था, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, केवल वर्धमान में ही नीलामी नहीं हुआ था, इस्तमरारी बंदोबस्त से काफी सारे जो है कि नीलामियां हो गई थी, चूंकि लोग कर्ज नहीं दे पा रहे थे, जो भी उनके लगान की राशि थे उनका रकम बड़ा ऊंचा था, तरह तरह के समस्या को देखे थे। यानी वर्धमान में जब नीलामी हुआ था तो उस समय राजा थे तेजचंद, लेकिन याद रखेंगे अब जो वर्धमान के राजा है उनका नाम है महाराजा मेहताब चंद। इनका जन्म याद रखेंगे 1820 में होता है और 1879 में इनकी मृत्यु होती है, तो इनका ये जीवन काल है 1820 से लेकर के 1879। कहते हैं जब वर्धमान का राजा महाराजा क्यों करे, देखिए हम बताए थे कि जो जमींदार होते थे उनके पास सुख सुविधा अच्छे खासे होते थे, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी जागीर होने के कारण उनको जमींदार के लिए एक वर्ड यूज होता था राजा, लेकिन जिनके समय में बहुत ज्यादा जमींदारी फली फूली और बहुत बड़े लेवल का जमींदार होते थे उनको आमतौर पर महाराजा भी लोग कहते थे, अपने आप से भी टाइटल रखते थे महाराजा। तो ये जो मेहताब चंद्र है ये महाराजा है, जब ये इनके समय में जब जमींदारी आई तो काफी ज्यादा इनके समय में जमींदारी फली फूली कहां के, तो वर्धमान की। अगर किसी का जमींदारी फल फूल रहा इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार से मिला हुआ आदमी है। अगर मुगल काल में किसी की जमींदारी अगर फली फूली तो कहीं ना कहीं वो मुगल के अधीन होते थे तो उनकी जमींदारी फलती थी, और मुगलों के अगर विरुद्ध हो, सल्तनत के विरुद्ध हो, तो उनकी जमींदारी नहीं फलती थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं कंपनी का ही आदमी है, कंपनी का चापलूसी करे होंगे, इसीलिए इनके टाइम में खूब जमींदारी फली फूली। लेकिन क्या है उस पर नहीं फोकस करना है, अभी आपको फोकस करना है कि 1857 में संथाली लोगों के द्वारा, संथालों जितने भी होंगे इन सब संथालियों के द्वारा जो है अंग्रेज और संथालियों के बीच में जो है कि युद्ध हो जाएगा, जिसमें जब लड़ाई होगा यानी जिसको संथाली विद्रोह कहते हैं। और 1857 में संथाली विद्रोह की बात करें तो ये संथालों के तरफ से महाराजा मेहताब चंद्र नहीं गए, ये किनके पक्षधर लिए, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से पक्षधर लिए। अब संथाली कौन है, जब अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे कुदाल और हल की कहानियां, उसमें पहाड़ी वाले लोग आएंगे, पहले पहाड़ी के बारे में जानेंगे, फिर संथाली के बारे में किस तरह से संथालियों को बसाया जाएगा, फिर उससे लगान लिया जाएगा, तरह तरह के अंग्रेज संथालियों पे उनको जो है कि दबाव बनाएंगे, और फाइनली दबाव इतना बना देंगे कि एकदम तंग आ जाएंगे और संथाली लोग 1857 आते आते अंग्रेज के खिलाफ में बगावत कर देंगे। और जब अंग्रेज के खिलाफ में जब लड़ाई लड़ेंगे तो संथालियों को मदद करने के लिए महाराजा मेहताब चंद्र आगे नहीं आएंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो है ये रहेंगे। तो इतने से समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया आदमी है कि भारत के तरफ से हमारे ही युद्ध में हमारे तरफ से नहीं रह करके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रहेंगे। चलिए दोस्तों आज तक लिए बहुत ज्यादा होगी, और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अगले कड़ी को, कुदाल और हल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां से खूब सारे प्रश्न आपके आएंगे। तो बस इसी तरह से वीडियो के सीरीज में आप बने रहे, नए बच्चे जुड़ते हैं पुराने वीडियो का सीरीज भी आप देख लिया कीजिए, अगर आपके कोई मित्र है, कोई भाई बंधु साथी है जो अभी क्लास में आ रहे हैं आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए। इस चैनल पर धीरे धीरे सभी जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल उसका पहले प्रॉपर वे में जो है हम यहाँ पे बना करके प्लेलिस्ट डालेंगे, उसके बाद फिर दूसरा भी जो सब्जेक्ट है उसको भी किया जाएगा। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।